आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रयत्नशील। अलीगढ़ में दोहराया गया गांधी की हत्या को। हिंदू महासभा के 12 लोगों पर मामला दर्ज। सोने ने छुआ आसमान, एक तोला सोना 34,000 के पार। बीजेपी में शिवराज का ग्राफ खिसका, पहले से पहुंचे 13 नंबर पर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नया शौक, समोसे तलते नजर आए महाराज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश में व्याप्त हर प्रकार के अभाव और अन्याय को समाप्त करने की संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था में समुचित परिवर्तन का प्रयास किया है। उन्होंने कहा मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति संसद के बजट सत्र में अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। 1 फरवरी को मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होगा। 13 फरवरी तक चलने वाला यह बजट सत्र लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार के लिए कई तरह महत्वपूर्ण है। खराब तबीयत के कारण अरुण जेटली इस बार बजट पेश नहीं करेंगे। उनकी जगह वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ही बजट पेश करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार किसानों के हित में कई कार्य कर रही है और किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए प्रयत्नशील है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पादन पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 4.5 वर्षों में मेरी सरकार ने लोगों में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया है, देश की साख बढ़ाई है और सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। परिणाम स्वरूप मेरी सरकार ने देशवासियों का अपार स्नेह और विश्वास जीता है। हर एक भारतवासी का जीवन बेहतर हो, यही मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है। माननीय सदस्यगण, समग्र और आधुनिक विकास के लिए अनिवार्य है कि हमारे देश का एक भी भाई बहन या एक भी परिवार बुनियादी जरूरतों से वंचित ना रहे। आम नागरिक का दर्द समझने वाली मेरी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की और सरकारी योजनाओं को नया स्वरूप देकर अभूतपूर्व गति से काम किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2,47,00,000 घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। अब भारत तेजी से उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जहां उसके प्रत्येक घर में बिजली होगी और कोई भी परिवार अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा। सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिए फर्जी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर का विस्तार करने से पिछले 4.5 वर्ष में 6,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है। इस वजह से अब लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। गांधी के अत्यारे नाथुराम गोडसे ने जिस तरह 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 3 गोलियां मारकर हत्या की थी, उनकी पुण्यतिथि पर एक बार फिर इसे अलीगढ़ में दोहराया गया, जहां हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने गांधी के पुतले पर 3 सांकेतिक गोलियां मारी, फिर पेट्रोल डालकर उनका दहन किया। इस बीच गांधी मुर्दाबाद व नाथुराम गोडसे अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ अखाड़ा बना रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जहां तिरंगा यात्रा निकालकर हिंदुस्तान जिंदाबाद आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए और गोडसे के पुतले को फांसी पर लटकाया, वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने शौर्य दिवस मनाया और गांधी जी के पुतले को गोलियां मारी। गोडसे ने जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 3 गोलियां मारकर हत्या की, उनकी पुण्यतिथि पर एक बार फिर इसे दोहराया गया। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉ पूजा शकुन पांडे ने गांधी जी के पुतले पर 3 सांकेतिक गोलियां मारी और पेट्रोल डालकर गांधी जी के पुतले का दहन किया। गन्ना खून था इसका। चलिए आप आग लगाते कटवे भरे पड़े। गांधी जी के पुतले को गोली मारने की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर गांधी पार्क थाना में नौरंगाबाद चौकी इंचार्ज संजीव कुमार की ओर से 12 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पूजा शकुन पांडे के भतीजे अभिषेक व सुरेंद्र नगर निवासी मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को देर शाम नौरंगाबाद स्थित महासभा के कार्यालय के बाहर से पकड़ा गया। देश में सोने की कीमत अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। फिलहाल तेजी जारी रहने के आसार हैं। डॉलर इंडेक्स में गिरावट, रुपए में कमजोरी और शादियों की जोरदार ग्राहकी के कारण इन दोनों सोने की खरीद बढ़ी है। इंदौर में सोना 34,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। पिछले एक पखवाड़े के दौरान यह तीसरा मौका है जब सोने की कीमत पिछले रिकॉर्ड स्तर 33,350 प्रति 10 ग्राम से ऊपर रही। अब सोना 34,000 प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। स्थानीय सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक शादियों का सीजन होने से इन दिनों ग्राहकी काफी अच्छी है, इसके कारण फिलहाल गिरावट की आशंका कम है। शादियों के लिए इस साल जितने मुहूर्त हैं उतने 2010-11 के बाद पहले नहीं देखने को मिले, इसके कारण ग्राहकी बने रहने के आसार हैं। रुपए में गिरावट और विनिमय दर लगातार 70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बने रहने से स्थानीय बाजार में सोने को तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जानकार बताते हैं, सोने में फिलहाल मंदी का कोई कारण नजर नहीं आ रहा। दुनिया भर में जो हालात बन रहे हैं उसमें सोना छोटी अवधि के नजरिए से श्रेष्ठ निवेश माना जा रहा है। पिछले एक साल के दौरान अमेरिका के साथ ही भारत, तुर्की, रूस और चीन के केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीदी तेजी से बढ़ाई है, यानी बैंकों का सोने पर भरोसा बढ़ा है। इससे गोल्ड मार्केट को अतिरिक्त सपोर्ट मिल रहा है। सोना हमेशा से लोगों को लुभाता रहा है, यही वजह है कि युग कोई भी हो सोने की कीमत हमेशा बनी रहती है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। जब वक्त बदलाव का आया तो बहुत कुछ बदल गया। बीजेपी की सूचियों में जहां अब तक पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का हुआ करता था, वहीं वो अब खिसक के 13वें स्थान पर आ गया है। इस सूची में पहला नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। समय क्या बदला, बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्थिति भी बदलने लगी है। पहले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का हुआ करता था, लेकिन अब चीजें उनके माकूल नहीं हैं। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए प्रबंध समिति बनाई तो पहले 10 नामों में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नजर नहीं आया। कभी पहले नंबर पर रहने वाले ये नाम अब खिसक के 13वें नंबर पर पहुंच गया है।
पार्टी ने हालांकि शिवराज सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है, लेकिन इस सूची में पहले नंबर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरे नंबर पर प्रभात झा और तीसरे नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। कांग्रेस के कार्यक्रमों में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। ताजा मामला भिंड का है, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्रीराम बघेल ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष रजनी श्रीवास्तव का भरे मंच पर अपमान किया। भिंड में कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम में विचित्र नजारा देखने को मिला। भिंड जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष रजनी श्रीवास्तव का भरे मंच पर अपमान किया गया, जिससे कांग्रेस की गुटबाजी सरेआम देखने को मिली। भिंड कांग्रेस अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने अपने ही कार्यकर्ताओं को मंच पर स्थान दिया और अपने ही लोगों का सम्मान किया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को मंच पर ना तो भाषण देने दिया गया, बल्कि उनको मंच से उतरने को भी बोला गया, जिससे दोनों अध्यक्षों के बीच मंच पर ही तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए दिए गए चावल बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। राजनांदगांव में इस चावल को एक निजी दुकान से बरामद किया गया। राजनांदगांव के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए चावल आवंटित किए गए चावलों को बाजार में बेच दिया जाता है। वहां के कर्मचारी ने निजी दुकान में चावल को बेचने के लिए रखा था, तभी पुलिस और खाद्य विभाग को इसकी जानकारी मिली और चिखली थाना क्षेत्र के रामनगर में पुलिस ने छापामार कार्यवाही की, जिसमें पीडीएस कोटे का लगभग 83 कट्टा चावल जब्त किया गया। तो उसी के संबंध में पवन किराना स्टोर है, यहाँ पे जांच की गई, जिसमें पीडीएस का चावल यहाँ पाया गया। ये 83 बोरा है, अभी उसी के जब्ती कार्रवाई और गाड़ी की जब्ती कार्रवाई वो चल रही है। एकलव्य स्कूल जा रहा था, राशन दुकान कौन सा है? परिकला राशन दुकान से एकलव्य स्कूल जा रहा था, उसको रास्ते में डाइवर्ट किया। जुए के पैसे के लेन देन में विवाद इतना बड़ा कि एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामला छतरपुर के पनागर का है। पुलिस ने इस केस की जाँच शुरू कर दी है। छतरपुर जिले के पनागर में एक बुजुर्ग की जुए के लेनदेन के विवाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक दौलत चौरसिया का गांव के टुन्नी चौरसिया से जुए में रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि टुन्नी ने बुजुर्ग दौलत का गला दबा दिया। दौलत को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बुजुर्ग के परिजनों की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मौत के साक्ष्य जुटाए। जुआ खेल रहा था तो वहाँ टुन्नी से झगड़ा हुआ, तो टुन्नी ने उन लेन देन पर हो तो टुन्नी ने उनकी गर्दन दबा दी तो वो इस स्पॉट पे यानी गिर गए। फिर वे लोग यानी उठा रहे थे, जब हम पहुँचे वहाँ तो वे लोग उठा रहे थे, छतरपुर ले मतलब गाड़ी में रख रहे थे, तो हम भी छतरपुर गए थे तो वहाँ ले गए, तो डॉक्टर ने बोला कि ये ख़त्म हो गए, तो हम लौट आए। फिर घर आके फिर उनको यानी थाने गए पेपर, तो वहाँ फिर हमने रिपोर्ट लिखाई टुन्नी के खिलाफ। कल रात में करीब 9:30-10 बजे फरियादी आए थे, उन्होंने आके रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका भाई मृतक जो दौलत चौरसिया है, उनका गांव के टुन्नी चौरसिया से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, और विवाद के बाद लोगों ने यह बताया कि उनका मतलब गला पकड़ने के बाद वो जो मृतक हैं कुछ देर करीब 20-25 कदम पैदल चल के जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो गए वहाँ पे। उसके बाद ये लोग इलाज के लिए छतरपुर ले जाते हैं, डॉक्टर ने वहाँ मृत घोषित कर दिया, ऐसा वहाँ उन्होंने बताया, और पूरी कार्रवाई उपरांत पोस्टमार्टम के लिए अपन ने बॉडी को भिजवाया है। पोस्टमार्टम में जिस प्रकार से रिपोर्ट आएगी उस आधार पर उस समय कार्रवाई करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बलात्कार की घटनाओं में नंबर एक बना हुआ है, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है।
तमाम सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके परिणाम फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। गाडरवाड़ा में एक युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने मूक बधिर युवती का अपहरण कर उसके साथ रेप किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गाडरवाड़ा में एक मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शौच के लिए गई युवती को दो लोगों ने अगवा कर लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। युवती की शिकायत पर मूक बधिर एक्सपर्ट को बुलाया गया। युवती ने सांकेतिक भाषा में घटनाक्रम समझाकर बयान दर्ज करवाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, मामला थाना ठेमी का है। एक मूक बोली मतलब लड़की है जो 22-23 साल की होगी, तो वो के द्वारा मतलब हमने थोड़ा पूछा भी है, तो वो टॉयलेट के लिए उठी होगी और रात में उसको दो लोग गाड़ी से उसको उठा के ले गए कहीं मतलब सुनसान इलाके में और वहाँ पे उसके साथ गलत काम किए हैं। अभी उसके लिए जांच के लिए उसको एमएलसी के लिए भेजा गया है कि उसके साथ हुआ क्या है एक्चुअली में घटना। आरोपी की तलाश की जा रही है, मतलब जिस तरह से उसने बताया उससे थोड़ा सा बात की है। हम लोगों ने साइन वाले को भी लेके आए थे, उनके द्वारा भी उससे पूछताछ करी हम लोगों ने। बोल नहीं पाती है वो, तो अभी चल रही है उसके हिसाब से छानबीन चल रही है, हमारी जांच चालू है। सीएम हेल्पलाइन मजाक बन के रह गई है। गाडरवाड़ा के समाज सेवी कृष्णा अजनार ने 3 माह पहले सीएम हेल्पलाइन में असामाजिक तत्वों की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कुछ नहीं हुआ और समस्या जस की तस बनी हुई है। गाडरवाड़ा तहसील के चीचली में समाज सेवी कृष्णा अजनार ने 3 माह पहले सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। कन्या छात्रावास के सामने अवैध रूप से एक ठेले पर चाय की दुकान चलाई जा रही है, जिस पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। शिकायतकर्ता के असंतुष्ट होने के बावजूद भी प्रशासन के अधिकारी जांच के नाम पर शिकायत का विभाग बदल बदल कर भेज रहे हैं, लेकिन प्रशासन असामाजिक तत्वों का अड्डा बने ठेले को हटाने में नाकाम है और इसका खामियाजा छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा लगता है चाय के ठेले वाले से अधिकारी डरे हुए हैं। अधिकारी अपनी पीठ थपथपा कर आंकड़ों को कागजों पर ही पूरा करके वाहवाही लूट रहे हैं। अब देखना यह है उच्च अधिकारी शिकायत पर एक्शन लेते हैं या फिर इस मामले को यहीं दबा दिया जाता है। ये जो शिकायत थी कि चीचली के जो गर्ल्स हॉस्टल है, सरकारी गर्ल्स हॉस्टल है, उसके परिसर के बाहर एक चाय की टपरी है, जिसमें शिकायत आई थी कि उसमें कुछ असामाजिक व्यक्ति या अनावश्यक बैठते हैं, जिससे कुछ परेशानियां हो रही हैं। तो उसको पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है, चीचली पुलिस द्वारा इसमें संज्ञान लेते हुए वहां पे पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और वहां पे अनावश्यक यदि कोई व्यक्ति बैठता है तो उसको रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है। और जहाँ तक कि उसकी दुकान की बात है, तो दुकान लीगल है या इलीगल है उसकी भी जांच की जा रही है। यदि इलीगल पाई जाती है तो उस पर भी लीगल कार्रवाई की जाएगी। उस चीज़ के संबंध निराकरण ये था कि पहले वो जो आबादी वाला मैटर था, बोले CMO नगर परिषद को ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसके बाद उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो वो बाकायदा फिर हमारे पास आया हुआ और हमने इसमें पटवारी से रिपोर्ट भी मंगाई। वो देखा कि वो एक टपरा रखा हुआ है वहाँ पर, तो उसको हम अभी एक दो दिनों में हटवा देंगे। सर, बहुत पुराना मैटर है, अभी तक हट नहीं नहीं बोस हाँ इसीलिए नहीं हट पाया कि वो अभी तक अन्य डिपार्टमेंटों के और दूसरे डिपार्टमेंटों के बीच में रहा। CMO नगर परिषद के पास भी रहा, कुछ थानेदार साहब के पास, पुलिस विभाग के पास भी रहा और लास्ट में अंत में मेरे पास आया, तो मैं इसको देख के अभी एक दो दिन में हटवा दूंगा। भोपाल में लाल घाटी से एयरपोर्ट जाने वाले फ्लाई ओवर को अमर शहीद हेमू कालानी के नाम से जाना जाएगा। सेतु के नाम से संबंधित प्रस्ताव नगर निगम ने पास कर दिया है। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में 230 करोड़ से अधिक लागत से लालघाटी से एयरपोर्ट जाने वाले फ्लाईओवर का नाम अमर शहीद हेमू कालानी सेतु होगा। हिंदू सेना के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने बताया कि इसको लेकर सिंधु सेना काफी समय से मांग कर रही थी। इसकी घोषणा होने से सिंधु सेना एवं समस्त सिंधी समाज ने महापौर आलोक शर्मा का आभार व्यक्त किया है। अमर शहीद हेमू कालानी जो कि वीर क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी 21 जनवरी को शहीदी दिवस था। सिंधु सेना के माध्यम से नगर निगम के साथ मिलकर हमने उनकी प्रतिमा का अनावरण ईदगाह स्थित शहीद हेमू कालानी पार्क में हमने किया था, जिसमें मुख्य अतिथि भोपाल शहर के प्रथम नागरिक माननीय आलोक शर्मा जी उपस्थित हुए थे। सिंधु सेना और अन्य सभी समाज के लोगों ने उनसे मांग की थी कि जो नया फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है लाल घाटी से लेके एयरपोर्ट तक, उसका नाम शहीद हेमू कालानी जी के नाम से किए जाना चाहिए।
महापौर जी ने सिंधु सेना और समस्त सिंधी समाज की मांग को तुरंत मांगते हुए वहाँ पर घोषणा की थी कि ये पुल जो है ओवर फ्लाई ब्रिज जो है वो हेमू कालानी जी के नाम से आज से ही हमने किया है। कल नगर निगम परिषद की बैठक थी, नगर निगम परिषद की बैठक में हेमू कालानी जी के नाम से ये जो पुल है, ये जो फ्लाईओवर ब्रिज है वो पारित किया गया। राजनीति में चाय पकौड़े की चर्चा तो अब जमकर हुई, कई लोगों ने इसका मजा लिया, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं समोसे की। अशोकनगर में सांसद ज्योतिराज सिंधिया समोसे तलते नजर आए। सिंधिया इन दिनों अपनी महाराज वाली छवि को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। बस करो महाराज, ये इसलिए कि यह आपका काम नहीं है, लेकिन आपका मन है कि मानता नहीं। आपको भी अपनी छवि आम आदमी वाली बनानी है तो समोसा बनाना और तलना बुरा शगल नहीं है। कांग्रेसियों के महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों इलाके के दौरे पर हैं। अशोकनगर में एक दुकान पर सिंधिया रुके और समोसे बनते देखे तो लगे वह भी हाथ आजमाने। ज्योतिरादित्य सिंधिया समोसे की दुकान पर पक्के समोसे वाले नजर आ रहे थे। कहते हैं जनता को लुभाने के लिए नेता जो करे सो कम है। अगर ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया समोसे तल कर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो इसमें बुरा भी कुछ नहीं है। इन दृश्यों को देखने के बाद तो यही कहना पड़ता है कि बस करो महाराज, कई चीजें आपके बस की नहीं है, लेकिन राजनीति है सो आप जो ना करें लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे वीडियो टेलीविजन पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लोग, जनता जनार्दन हकीकत समझती है। दखल न्यूज में फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।